जाना है आप युवाओं के बीच में आके हमारी बात सुन लेना नहीं है युवा रेलवे स्टेशन की ओर टूर करेंगे। कलेक्टर साहब अगर 15 मिनट में बाहर आके हमारी बात नहीं सुनते तो भगत सिंह के दीवाने भगत सिंह की नौ बदल उनके एयरपोर्ट में वो दिखाना चाहते थे उनके दुश्मनों के खिलाफ देश के दुश्मनों के खिलाफ देश की रक्षा करना चाहते थे वो गुस्से में बदल चुके हैं। आज युवाओं को ट्रेन ट्रैक तोड़ने पड़ रहे हैं, ट्रेनों को फूंकना पड़ रहा है, हर जगह टायर चल रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, उधर उग्रवादी आतंकवादी नारेबाजी पार्टियां उनको नाम दे रही है। मैं बोलना चाहता हूँ सबको, कलेक्टर साहब आप तक आवाज पहुंचे, कलेक्ट्रेट की ऑफिस एसी ऑफिस में बैठकर आप तक आवाज अगर हमारी पहुंच रही है 15 मिनट में यहाँ जाना है आप युवाओं के बीच में आके हमारी बात सुन लेना नहीं है युवा रेलवे स्टेशन की ओर टूर करेंगे। हम सब भगत सिंह के दीवाने हैं लेकिन गांधी जी को भी नहीं भूले, राष्ट्रपिता गांधी जी हमारी हमारे आदर्श है। इसीलिए अभी तक हम जहाँ से पैदल मार्च करा था हमने झुंझुनू रेलवे स्टेशन के फटक से वहां तक अभी तक कोई भी हिंसा नहीं बढ़ती है लेकिन आगे हमारी बात समय से नहीं सुनी गई। कलेक्टर साहब अगर 15 मिनट में बाहर आके हमारी बात नहीं सुनते तो भगत सिंह के दीवाने भगत सिंह की नौ बदल रहे। राजपूत रेजिमेंट हो या जाट रेजिमेंट हो, राजपूतान राइफल हो या गोरखा राइफल, गोरखा रेजिमेंट हो या मराठा रेजिमेंट, इन सब का आपस में इन सब का बहुत बढ़िया शानदार गौरवशाली इतिहास रहा है। जो भी जवान आज उन रेजिमेंट्स में भर्ती है उन्हें ये पता है कि हमारी रेजिमेंट का जवान और हमारी रेजिमेंट का इतिहास गौरवशाली रहा है। 25% आप लेंगे वो आरएसएस की मानसिकता के होंगे या बीजेपी की मानसिकता के, मोदी मानसिकता के होंगे अमित शाह मानसिकता, ये भी बता दीजिए आरएसएस की वो जगह बढ़ती होंगी मोदी जी जिन रूस में जाते हैं।